क्या आपको भी यही लगता है कि सिर्फ कार्डियो करने से ही आपका वेट लॉस हो जाएगा, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ वेट गेन करने के लिए की जाती है? इस वीडियो के एंड तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Hey everyone, welcome back in another video of Healthy Habits। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियो के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस को एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। ऐसी एक्सरसाइजेस के दौरान हमारी बॉडी नॉर्मल मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज करती है। इन एक्सरसाइजेस से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है और हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या जंपिंग। जब हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करती है और हमारा वेट लॉस होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है वेट्स उठाना, जिससे हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है और मसल्स बिल्ड होती हैं। कार्डियो करने से वर्कआउट के दौरान कैलोरीज बर्न होती हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वर्कआउट के साथ साथ तब भी कैलोरीज बर्न होती हैं जब आप रेस्ट करते हैं। जब कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को साथ में किया जाता है तो पावरफुल फैट बर्निंग और मसल बिल्डिंग इफेक्ट बनता है। कार्डियो हेल्प करता है कैलोरीज बर्न करने में और फैट रिड्यूस करने में। एडिशनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्रीज करती है एंड्योरेंस और स्टेमिना, जिससे आप खुद की एबिलिटीज को पुश कर पाते हैं और कार्डियो के सेशंस को भी इम्प्रूव करते हैं। एक इफेक्टिव वेट लॉस के लिए आपको बैलेंस्ड वर्कआउट प्लान करना होगा, जिसमें कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी शामिल हो। दोनों को कंबाइन करने से आप अपने वर्कआउट्स में कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करेंगे और साथ ही लाइफस्टाइल को भी इंजॉय करेंगे। याद रखें, बात सिर्फ वेट लॉस करने की नहीं है, बात है स्ट्रेंथ बढ़ाने की, एंड्योरेंस बढ़ाने की और कॉन्फिडेंस फील करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्कआउट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट। जब इतनी बात हमने वर्कआउट की कर ही ली है, तो थोड़ी डाइट की भी कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्कआउट करने से कुछ नहीं होगा। सिंपल थियरी समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, और जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम वही एनर्जी यूज़ करते हैं या बर्न करते हैं। अगर हम कम कैलोरीज बर्न करेंगे और ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो हमारा वेट गेन होगा, और अगर हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो वेट लॉस होगा। इस डाइट को हम कैलोरी डेफिसिट डाइट भी कहते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि कार्डियो और स्ट्रेंथ के साथ कैलोरी डेफिसिट में रहने से आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।